सर आपको पुलिस क्यों अरेस्टेड, क्या लिखा है, अरेस्टेड किया था। देखो सुबह से मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, ऑफलाइन के बैचेस हैं, बच्चे पूछते जा रहे हैं सर क्या हुआ। तो इसलिए मैंने कहा एक जगह पर आकर कोई बात कहनी ज़रूरी है ताकि बच्चों को एक क्लैरिटी मिल सके, बातें वो जान सके, समझ सके। यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात बताते हैं, पता है क्या है, एक बात है ना, मैंने अपने टीचिंग करियर में जब मैंने अपना स्टार्ट किया था ना टीचिंग करियर, तभी मैंने एक चीज़ अपने लाइफ में ठान लिया था और मैं हमेशा ये बात बोलता भी हूँ कि हमने अपना भविष्य बना लिया जहाँ तक जाना था। अपनी जो इच्छा थी एक नौकरी पाने की, चाहे वो छोटी थी, बड़ी थी, क्या थी, दुनिया की नज़रों में जो भी है, मेरे नज़रों में मेरा सपना था जिसको मैंने पूरा कर लिया। और उसके बाद मेरा बस ये था कि अब खुद इंस्पेक्टर बन चुके हैं और बच्चों को मेरे भाई जो है वो हम इंस्पेक्टर बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने लाइफ में देखी कि देखो जैसे जैसे होता है ना परिवार में, आप अक्सर देखना, आप भी कल के दिन आपके लाइफ में ऐसा होगा कि एक इंसान परिवार में बड़ा होता चला जाएगा ना, तो बाकी लोगों को वो धीरे 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 ऊपर उठाना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा जाता है अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, अगर वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तो हमेशा उसी का उदाहरण जो है वो दिया जाता है, और अगर वो जो है बड़ा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को अगर ऊपर लेकर आ जाए तो पूरा परिवार संवर जाता है, पूरा समाज संवर जाता है, पूरा सुधार आ जाता है। तो मेरा जो था ना टीचिंग में वो शुरू से ऐसा था कि यार मतलब अब सिर्फ ये नहीं कि अपना पैसा बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है, अपना नाम शोहरत उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा काम करना है, दिल से काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है। कोविड के दौरान सबसे पहले जो है ना, मतलब जहां पर हमारे जेब में चंद पैसे हुआ करते थे, हमारी पूरी रैंकर्स गुरुकुल टीम उस समय जाकर मुहिम राहत हमने शुरू की थी। और वो मुहिम राहत शुरू करने के बाद हमने कंबल बांटे थे, खाना वाना बांटा था, हमें बहुत घर से गालियां मिली थी जहां कोविड में सब घर में है, तुम बाहर जा रहे हो, दुनिया सेवा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत अच्छा, बच्चों का भी रिस्पॉन्स नहीं आया इस तरीके से करके। लेकिन मन में जो इच्छा थी वो शुरू से थी, ठीक है, तो यही इच्छा हम शुरू से चाहते थे कि हम किस किस माध्यम से बच्चों की सहायता कर पाएं जहां जहां पर हो पाए। अभी सीजल का एक छोटा सा एज रेकनिंग का इशू आया, अब एज रेकनिंग का इशू आया तो वाकई में बच्चे परेशान थे। आज मैं देख रहा हूं पिछले 10 दिनों से बच्चे भटक रहे हैं अलग अलग जगह पे, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं, कोई BSF में सेलेक्टेड है, कोई आपको जो है वो CHSL में सेलेक्टेड है, और ये बच्चे वो हैं जो भारत के अलग अलग जगह से आए हैं। देखो कल जैसे मेरी बात हुई, एक लड़का केरला से आया था, एक लड़का पंजाब से आया, कहीं से आया, और सबका ये है कि सर हमारे ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है और ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, और ये पेपर अगर हम नहीं देंगे ना तो सर हमारे पास फ्यूचर में कुछ है ही नहीं, जो नौकरी शायद हम कर रहे हैं वहीं तक सीमित रह जाएंगे, और कई तो ऐसे हैं कि सर इस बार तो हम श्योर थे कि हमारा जॉब लगेगा, वो भी रह जाएंगे। सोचो रात रात भर लड़कियाँ CGO ऑफिस के बाहर, SSC ऑफिस के बाहर, मतलब सड़कों पर वो फुटपाथ पे वो सो रही हैं और धरना दे रही हैं। तो मुझे लगा यार कि ठीक है, एक आखिरी मौका इनको मिलना चाहिए, और यहाँ पर अगर मेरी तरफ से जो सपोर्ट हो पाएगा वो मैं करूँगा। इसी वजह से मैं, विक्रमजीत सर, हम दोनों लगे रहे हैं यहाँ पे, और दोनों ने जो है मुखर्जी नगर में जितना हो पाया अपनी क्लासेस ऑफ करके बच्चों को वहाँ से भेजना शुरू किया। हमने बसें मंगाई, बसें उन्होंने ही अरेंज की थी, वहाँ पर बसों में बच्चे भर के गए, हम लोग भी वहाँ गए, पूरा दिन धरना देता रहा। अब जाहिर सी बात है तुम धरना देने जाओगे तो पुलिस तो तुम्हारा इंतज़ार कर ही रही होगी, ठीक है, अब स्वागत तो करेगी नहीं तुम्हारा कि स्वागत नहीं करोगे हमारा करके, भैया धरने वाले हो तुम, लीडर हो वहाँ पे, तो तुमको तो धरेगी सबसे पहले, ठीक है। तो वहीं पर था बच्चों को, क्योंकि कोई भी क्यों चाहेगा यार, सरकारी ऑफिस कभी नहीं चाहती कि उसके सामने धरना हो, प्रोटेस्ट हो, मुद्दा को हमेशा दबाने की कोशिश किया जाता है, पर शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें चल रही थी। वहीं पर आए कुछ भाई साहब पुलिस वाले, चलो एक काम करो आ जाओ गाड़ी में बैठो, हमने कहा बैठेंगे क्या दिक्कत है, हमें जेल जाना मंजूर है, हमें अरेस्ट होना मंजूर है, लेकिन बच्चे हों ये हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनका अगर नाम खराब हो गया ना तो भविष्य खत्म हो सकता है। यहाँ पर चीज़ों को लेकर गलत डिमांड क्या थी भाई, एक एज का ही तो था, पहले भी किया अब भी कर दो, क्या परेशानी है यहाँ पर, गलत तो कोई डिमांड ही नहीं थी। हाँ अगली बार अगर आपको 1 अगस्त करना है उसके लिए नोटिफिकेशन अभी से डाल दो, बच्चे पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे, 1 साल तैयारी करने के बाद पता चलता है ससुरा फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, कोई बात थोड़ी हुआ यार, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो था, फिर वहाँ गए तो हमें भी पुलिस ने पकड़ा, विक्रम सर को भी पकड़ा, ले गए थाने वाने में, वहाँ पे थोड़ा बहुत घुमाया, नाश्ता पानी हुआ, वहीं पर मैथ्स की एक वीडियो भी बना दी आप लोगों के लिए, देखा भी आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। हाँ लेकिन ये रहे कि शाम तक अभी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी बातें हैं वो कंसिडर अप कर ली जाएंगी, मान ली जाएंगी। और मैं हमेशा कहता हूँ मुद्दा छोटा बड़ा हो या कोई भी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे जेल जाना मंजूर है, मुझे सबके ताने सुनने मंजूर है, आप पर आँच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सुबह से मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, ऑफलाइन के बैचेस हैं, बच्चे पूछते जा रहे हैं सर क्या हुआ। तो इसलिए मैंने कहा एक जगह पर आकर कोई बात कहनी ज़रूरी है ताकि बच्चों को एक क्लैरिटी मिल सके, बातें वो जान सके, समझ सके यहाँ पे, ठीक है। आपको भी कभी भविष्य में कोई भी दिक्कत होगी, हमारे दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे दोनों हमेशा खुले हैं, आप बोल के देखिए, ठीक है।